ये भाई साहब भाई जी चल बंजारन चल, यही तो जलवा दिखाना था तुझे भाई। यहाँ पर भी देखो ग्लेशियर को काट के ही सड़क निकालनी पड़ी, यहाँ पर थोड़ा खतरा है, थोड़ा जल्दी चल। आगे मशीन लगी होगी कहीं पे भाई लोगों, सचपास आना चाहते हो गाइस आओ, ये देखो ये नज़ारे देखो, सचपास आना चाहते हो मेरी पूरी वीडियो आप यूट्यूब पर जरूर देखें। और सो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? पीछे बर्फ दिख रही है आपको, ग्लेशियर है बहुत बड़ा, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा, सब कुछ पता चल गया होगा, टाइटल से भी पता चल गया होगा कि मैं जा रहा हूँ आज सचपास वाले सड़क में हूँ अभी मैं। तो पिछली बार जहाँ तक हम आए थे वहाँ से ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आज मेरे साथ ये रवि है और साथ में सनी है और गौरी भी है, पिछले ब्लॉग में भी गौरी हमारे साथ था। ग्लेशियर देख सकते हो, कहाँ तक सड़क खुली है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, सारी जानकारी दूंगा, और जो भी कहाँ तक हम आज जा पाते हैं कहाँ तक खुला है जहाँ तक मुझे पता है, और जहाँ तक मुझे पता है सतरुंडी तक रास्ता खुल चुका है, वहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे, और आगे कहाँ तक खुला है जहाँ तक हम जा सकते हैं सारी जानकारी आप इस वीडियो से ले सकते हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कि कहाँ तक सचपास खुला है, और इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर रहे थे, अभी भी आप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कहाँ तक सचपास खुला। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, और किस तरह का रास्ता अभी देखने को मिलेगा, कहाँ तक आप आ सकते हो, कहाँ तक सेफ़ है सारी चीज़ें, तो यहाँ से आप ब्लॉग को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से सीधा आप माउंट करते हैं गोप्रो को अपने हेलमेट पर और जाते ही है। देखो भाई कितनी हाइट है यहाँ इसकी, ग्लेशियर की काट कर निकालते हैं यहाँ पर रास्ता, और वर्ल्ड की डेंजरस रोड्स में से सचपास एक है आती है जहाँ पर देखने को मिलता है, बताते हैं, बाकी मुझे पता नहीं, देख सकते हो। तो यहाँ से आगे निकलते हैं और मज़ा आएगा आपको। हाँ बोल अतिथि बोलते भाई मेरे। अच्छा क्या मान है तू एडी को? ओ भाई मेरे, कौन से अपने वर्षों का वो? ओ भाई मेरे। तो भाई जट प्रभजोत भाई का ये डायलॉग है, और हमारे जहाँ से हम आए थे वहाँ पर बिल्कुल धूप है, और यहाँ पर भाई पता नहीं चलता, दो मिनट में ही चेंज हो जाएगा मौसम, वैसा हो जाता है, दो मिनट में तो नहीं बस हो ही जाता है, बहुत ही जल्दी पता नहीं चलता। तो यहाँ से अब बर्फ दिखना चालू हो गई है, बड़े बड़े ग्लेशियर दिखना चालू हो चुके हैं, अब आगे कैसा रास्ता दिखता है माउंट करते गोप्रो को और चलते हैं आगे, और मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में, बने रहिए। तो ग्लेशियर ही देखने को मिल रहे हैं अब, ये देखिए यहाँ पर भी एक और ग्लेशियर, ये देखो जी भाई ठंडा पानी ग्लेशियर का, ये पानी भी और हवा आ रही है इससे भाई साहब। अपने पास थोड़ा एडवेंचर बाइक हो तो ज़्यादा मज़ा आने वाला था, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक से भी भाई हम करने वाले, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ भाई ऑटो लेकर टेम्पो लेकर यहाँ पर सचपास करूँ, एक बहुत ही अलग ही मतलब हिस्ट्री बन जाएगी, रिकॉर्ड बन जाएगा, या स्कूटर चेतक लेकर हम आएंगे सचपास, वैसा भी मैंने सोचा हुआ है। फिलहाल तो अभी अपनी बंजारन पर सही है और चलते हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हो ये तभी बने हुए हैं गाइस की एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं जिनके, और जिनकी मौत हो चुकी है, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, यहाँ ऊपर से स्लाइडिंग, ऊपर से गिर चुका था। चलो हमने निकाल ही लिया, तो देख कर ही चल रहे हैं हम, वैसे भी देख कर चलना ज़रूरी है, क्या पता हम थोड़ा पहले ही कोई चीज़ देख लें, अनहोनी फिर उससे नहीं होगी कोई भी। इस पानी में मैं नहीं चाहता कि मेरा पैर जाए भाई, आगे पानी ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर, जो पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा पानी होता है। वहाँ पर हम रील्स भी बनाएंगे, बहुत ही प्यारी रील्स बनेंगी वहाँ पर। ओह ओह ये देखो जी बर्फ की चादर से ढके हुए पहाड़, हाय बंजारन। कुछ ही टाइम में गाइस अपनी एडवेंचर भी आने वाली है, या हिमालयन आएगी या केटीएम एडवेंचर लूँगा मैं, दो में से कौन सी लेनी चाहिए कमेंट ज़रूर करना। ये देखो भाई नीचे, ओहो ओ भाई मेरे, मोहब्बत गई बाढ़ में, बाबे चले पहाड़ में, मोहब्बत गई बाढ़ में, बाबे चले पहाड़ में। भाई यहाँ पर भी देखो ग्लेशियर को काट के ही सड़क निकालनी पड़ी है, यहाँ पर थोड़ा खतरा है, थोड़ा जल्दी जाओ। सो गाइस सतरुंडी पहुँच चुके हैं, ये देखो यहाँ पर सतरुंडी का होटल जैसा है एक, ओहो न्यूट्रल हो गई चल।
पानी है यहाँ पर, पानी ही है यहाँ भाई। पैर मैं नहीं चाहता कि नीचे पैर लगाऊं। बर्फ देखो, बर्फ ही दिख रही है अब तो, ठंड हो रही है भाई। ये देखो धीरे ही चलूंगा यहाँ पर फर्स्ट गियर में। यही मजा भाई। आगे से कार कार कार, पप्पी ढाबा सतरुंडी, पप्पी नहीं सॉरी गलत हो गया गाइस, पम्मी क्या बोला तूने, ढाबा लिखा है नहीं शमी ढाबा लिखा है भाई। रात पता नहीं अब क्या लिखा, सही से पढ़ा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सतरुंडी हम पहुंच चुके हैं गाइस, तालियां क्लैपिंग। ये देखो जी खांसी लग चुकी है एक्सट्रीम। ओ भाई ये देखो इसके नीचे कितना पानी है भाई, ठंड भी लग रही है यहाँ पर भाई। फर्स्ट गियर में और क्लच नहीं यूज कर पाऊंगा मैं। चढ़ जा, जुकाम मुझे भी लग गया। यहाँ पर रुकते हैं इसको भाई जी। ये देखो हमारे बंदे कहाँ चले गए, वो आ रहे हैं भाई। स्प्रे हो रहा है पानी ऊपर से गाड़ी आ रही है। औरा ये हमारे सामने गई थी मुझे लग रहा है, उस टाइम जब हम अटल चौक के पास थे है ना, वही औरा लग रही है मुझे, ये वाली गाड़ी वही है ना। कहाँ तक खुला है भाई, Men will be men. Sequence Imperial Blue Super Hits Music. Beauty guys. Beauty. अपने बंदे भी आ चुके हैं वहाँ पर। अपने बंदे भी वहाँ पर आ चुके हैं। चलो रोको मत चढ़ाई पे। एक मिनट सर, तो ये सतरुंडी हेलीपैड के पास पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर भी सीजन लगाने के लिए भाई लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर होटल वगैरह इन्होंने खोला हुआ है और यहाँ पर ये क्या क्या मिलेगा सर बताइए आप। कितने में मिलेगा सर, टेंट टूंट सब कुछ। गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं भाई, जो लोग गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहते हैं ना भाई। ये देखो ठंड का माहौल है यहाँ पर और बर्फ के बीचों बीच आप यहाँ पर कहीं टेंट लगाओगे और इतना मजा रहने वाला है ना यार। ये सतरुंडी का हेलीपैड है यहाँ पर, ये यूज बहुत ही कम होता है वैसे, एमरजेंसी वगैरह पड़ जाए तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते। देखो अब भाई बर्फ ही देखने को मिल रही है यहाँ पर, इनके पास सब कुछ ही अभी सेटअप करे। आपको कितने दिन हो गए भाई, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? मेरे को चार पाँच दिन हुए अभी। अभी कहाँ तक घुला ऊपर? अभी तो दूसरी कैंची चली है, दूसरी कैंची तक। कोई ना जाते हैं ऊपर तक हम भी, चाय पीते हैं यहाँ पर और फिर हम भी निकलते हैं ऊपर आग सेकते हैं। टेंट वगैरह देते हैं भाई आप? टेंट किस तरह से आपके पास है? टेंट के बंदे के हिसाब से होता है ना, पर बंदे मतलब जैसे चार बंदे हैं ना। हाँ जी, चार बंदे का 300 रुपए पर बंदा रहेगा। 300 रुपए पर बंदा। कौन से टेंट कौन से है आपके पास? तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा कम भी लगाते हैं। सतरुंडी हेलीपैड के पास ही यहाँ पर हम, भाई ने ढाबा खोला है यहाँ पर, अभी 2-3 दिन ही हुए भाई को यहाँ पर। तो आप भी यहाँ कैंपिंग करना चाहते हो, यहाँ पर रुकना चाहते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में यहाँ पर भाई इस जगह पर अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर आप रुक सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया रहेगा। टेंट वगैरह भाई के पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टेंट लगेंगे और यहाँ से लोकेशन जो देखने को आपको मिलेगी भाई।
लोकेशन जो यहाँ से देखने को मिलेगी ना भाई, जन्नत, जो आपका स्ट्रेस होगा सारा दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरा नाम लेकर आना, मैं यहीं से लोकल भाई को पहले से जानता हूँ, ठीक है? तो आप आ सकते हो और रह सकते हो यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है? आराम से जाते हैं और मजा आ गया यहाँ पर चाय पीकर। तो अभी जान में जान आई, हमने खाना थोड़ा खा लिया, खाना नहीं खाया वैसे, चाय पी और बाकी बिस्किट वगैरह हम लाए थे। GoPro भी चार्ज हो गया, 75% बैटरी इसकी हो गई है। जो कैंपिंग करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं यहाँ पर भाई के पास, आप ज़रूर रुकें, बढ़िया रहेगा भाई। मैं भी आऊँगा कुछ ही दिनों में। और हाँ, नेटवर्क की बात की जाए, यहाँ पर नेटवर्क है गाइज, अभी देखा मैंने नेटवर्क है। कॉल वैसे हो नहीं रही थी, नेटवर्क एयरटेल का भी और जियो का भी मेरे फ़ोन में आ रहा था, तो थोड़ा सा आ रहा था, वैसे वीक सिग्नल था और नेट तो नहीं चल रहा था, बट वैसे कॉल भी नहीं हो रही थी, लेकिन नेटवर्क अभी आ रहा था। क्या पता हो जाए किसी टाइम, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी कुछ लोकेशन हो, कहीं कहीं कुछ पॉइंट हो, स्पॉट्स हो, वहाँ पर नेटवर्क आए, तो ये बात बता दी मैंने आपको कि नेटवर्क भी आता है यहाँ पर। यहाँ से बर्फ भी देखने को मिलेगी आगे भाई, तो सचवास की चढ़ाई चढ़ चुके, चढ़ रहे हैं अब हम। एक कट था जो एक टर्न थी, उससे हमने बाइक को घुमा लिया और अब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब कहाँ तक रास्ता खुला है, देखते हैं कहाँ तक अपनी बंजारन जा पाती है। भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बंजारन अपनी बहुत ही प्यारी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, साउंड नोट बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छा आ रहा है। सेकंड गियर में करी है अभी मैंने बंजारन। एक डोजर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रील बनाएंगे हम, देखते हैं। अब मैं धीरे ही चल रहा हूँ, पानी आ रहा है भाई सड़कों में, अभी जैसे ही ग्लेशियर ये पिघल रहा है तो सारा पानी, ये देखो हर जगह पर मैक्सिमम जो भी मैंने देखा, पिछली बार हमें आया था इतना पानी नहीं था, अभी इतना पानी 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 है भाई सड़क में, पूरी सड़क में पानी है। शतुंडी नीचे है, पीछे छोड़ आए हैं। अब ये जो रास्ता अभी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये मुझे लग रहा है 2-3 दिन हुए हैं इसको खुले हुए, शायद जो बर्फ की कंडीशन दिख रही है, दूसरी टर्न अब आ रही है यहाँ पर, ये देखो जी। मार दे देर नहीं भाई, ठंड अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, नए हो तो। ओ भाई फर्स्ट 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 करना पड़ेगा गियर, बहुत ही मेहनत भरा काम है ये भाई। अरे वाह, बता गौरी कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड भी बहुत, ठंड तो भाई होगी अब। चारों तरफ अब बर्फ ही बर्फ, खाने के लिए कुछ बचा है अब या नहीं बचा है? भाई अच्छा तब ठीक है, अंडे तो है भाई, वो अंडे अभी तक लेज होगा एक आधा देर। भूख लगती है यहाँ पर गाइस, आपको भूख लगती है बहुत ज़्यादा, ऐसी हाई अल्टीट्यूड पर आप आते हैं तो भूख लगती है। हम भाई वो कोल्ड ड्रिंक क्यों, यहाँ पता नहीं, कोल्ड ड्रिंक लाए थे भाई हम यहाँ के लिए, तो हमें कॉफ़ी की ज़रूरत है, चाय की ज़रूरत है,
और शायद यहाँ पर मशीन हमें दिख रही है, शायद यहीं तक खुला, पता लग जाएगा। चलो मुझे भी कुछ आता ही लग रहा है। मशीन दिख रही है आगे, जेसीबी है। हो हो हो, हाथ सुन्न हो चुके हैं मेरे। ये तो ऐसे भाई, क्या मजा है, अमेजिंग। सच पास आना चाहते हो गाइस, आओ ये देखो, ये नज़ारे देखो। सच पास आना चाहते हो, मेरी पूरी वीडियो आप यूट्यूब पर ज़रूर देखें और मज़ा आएगा आपको। इस चुराई देश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच पास आना चाहते हो तो देख सकते हो पूरी मेरी वीडियो, देखना ये पूरे नज़ारे आप देख सकते हो। सड़क के किस तरह की सड़क है, बर्फ़ के चारों, बर्फ़ के बीचों बीच हम चले हुए हैं। ऊपर से भी बर्फ़ और यहाँ भी बर्फ़, पूरा मज़ा, फुल एडवेंचर। सच पास वर्ड्स डेंजरस रोड, बात भी नहीं की जा रही है, जबान लड़खड़ा रही है मेरी, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भाई। ये देखो अब तो बर्फ और ऊंची आ रही है। ये क्या, ये भाई साहब, भाई जी चल बंजारन चल, यही तो जलवा दिखाना था तुझे। वो बंदे कहाँ चले गए? वो चले हैं आराम से भाई। तीसरी टर्न हमने कर ली है, तीसरी टर्न तक ऊपर खुला है। सच पास थोड़ा ही बचा है शायद, तब तो सच पास ही तक खुला तो नहीं है गाइस, लेकिन नहीं खुला सच पास तक, इतना मुझे पता है। थोड़ा यहाँ पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमें रास्ते पर, है ना? तो रास्ते पर कंसंट्रेट करेंगे तो तभी, वरना खतरा रह सकता है। ऊपर भी देखते चलना भाई, ऊपर से देखो किस तरह से काट कर निकाली है सड़क। हम मतलब अगर ये ऊपर से गिर जाए तो दब जाएंगे हम, लेकिन ये वाली नहीं गिरेगी, ये सेफ है, यहाँ पर सेफ है। आगे मशीन लगी होगी कहीं पे। ओह आगे तो भाई डेंजरस ही लग रहा है मुझे। यहाँ ऊपर एक टर्न और आगे आएगी, वहाँ पर भाई बात भी नहीं की जा रही, और जूते हमारे भीग जाएंगे, जूते पैर गीले हो जाएंगे। ये बाकी लोग भी आ गए और चले हुए ऊपर देखने के लिए, सारा सीन पैदल जा रहे हैं। बालों की बुरी हालत हो गई है, बाल में थोड़ा सेट कर लूंगा। तो भाई लोगों, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि हम जा पाएंगे, है ना? तो पानी पानी है, जैसे हम जाएंगे तो अभी पहले भी जूते हमारे गीले हो चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम ठीक रहेगा जाना यहीं तक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100 मीटर आगे, यहाँ से आगे मशीन चली हुई है, ये आज ही खुला है ये सब कुछ, तो सही नहीं रहेगा। जूते हमारे गीले हो चुके हैं, पैर भी गीले हो रहे हैं, और तो आगे जाके हम क्या ही करेंगे। तो इसलिए अभी हमने सोचा है कि यहाँ से अब हम घर को निकलते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, रील वगैरह बनाते हैं और यहाँ से घर की ओर निकलते हैं। तो अभी ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये रास्ता खुला है, ये वाला जो टर्न है ये आज खुला है। तो आना चाहते हो सच पास, आज है 9 जून, 9 जून तक यहाँ तक ये पहुँचा है। यहाँ से अभी सच पास काफ़ी टाइम लगेगा भाई, ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इस साल बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, उस कारण से सच पास खोलने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा। तो सारी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो और सही रहेगा, फॉलो करोगे तो मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो मेरे टच में हैं, जो मशीन में भी लगे हुए हैं, जो जिनके अंडर ये काम आ रहा है, वो भी कुछ लोग हैं जो मेरे टच में हैं, जिनसे मैं बात करता रहता हूँ कि कहाँ तक सच पास खुला है और क्या कैसे है। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे, अगर आप हाँ यहाँ तक आना चाहते हो, ये वाले नज़ारे लेना चाहते हो, तो आप सच पास यहाँ तक आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सच पास जाना चाहते हो तो इस महीने के एंड तक खोल ही जाएगा यार, मौसम अगर सही रहेगा, आज जैसा आज मौसम है वैसा रहेगा। तो यहाँ पर मौसम का वैसे भी पता नहीं चलता, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, और हालांकि बर्फ़बारी अभी भी हो सकती है यहाँ पर ऐसे एरिया में। यहाँ पर तो अब बर्फ़ ही दिखाई दे रही है भाई, अभी चारों तरफ बर्फ़ ही देखने को मिल रही है। ये रास्ता मिट्टी आप देख सकते हैं, अभी नई थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये क्लीन किया ये रोड।
तो ऐसी बात है, आई होप कि मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगी होगी। रुकना चाहते हो, कैंपिंग करना चाहते हो यहाँ से थोड़ा नीचे 3-4 किलोमीटर नीचे ही सतरुंडी में आप रुक सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, टेंट की सुविधा आपको मिल जाएगी, खुद के टेंट ला सकते हो, खाने पीने की समस्या कोई भी आती है वहाँ पर हो जाएगा, सब कुछ आपका काम वहाँ पर बन जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है वीडियो के लिए। तो सब कुछ जो भी चीज़ें मैं दिखाना चाहता था, जो चीज़ें मैं बताना चाहता था, तीसरी चौथी बार मैं यहाँ अभी आया तो आपको दिखाने के लिए, आपको आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मैं यहाँ तक आया। अचानक से मेरा प्लान बना था। तो सब्सक्राइब चैनल को यार कर दो, और काफ़ी मेहनत लगती है, रिस्क भरा भी रहता है ऐसी सड़कों पर अगर आप आते हो तो, बस काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और भी रोमांचक वीडियो, कैंपिंग से रिलेटेड, कैंपिंग वाली वीडियो, राइडिंग वाली वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आ जा रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, बहुत कुछ लाइफस्टाइल वीडियोस। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल चुराई हितेश। मिलते हैं अगली वीडियो में। रील वगैरह बना रहे हैं अभी हम यहाँ पर। बाइक हम वहाँ पर छोड़ के आए क्योंकि बर्फ़ में नहीं चलेगी, स्लिप बचेगा। और मोहब्बत गई भाड़ में, बापे चले पहाड़ में, मोहब्बत गई भाड़ में, बापे चले पहाड़ में। तो वो वाली बात हो गई भाई। तो ये देखो यहाँ पर बाइक कैसे ही जाएगी भाई, नहीं जा सकती। जूते गीले हो चुके हैं, बिल्कुल पैर गीले हो चुके हैं हमारे। रील बनाते हैं यहाँ पर। ये लगी है गाइस मशीन यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम